सबसे पहले हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर, बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करना पड़ेगा। ये जॉय का मॉइस्चराइजर है। मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर को बहुत ही अच्छे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके फेस पे, नहीं तो पिंपल छोटे एक्ने वगैरह सब हो सकते हैं। सेकंड स्टेप है कंसीलर। कंसीलर इसे यूज़ किया जाता है जिसको ब्लैक हेड्स या डार्क स्ट्रेन को प्रॉपर ब्लाइंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से ब्लाइंड कर दिया हमने ब्रश के थ्रू फाउंडेशन का भी। नेक्स्ट है आईब्रो। आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप लोग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं आईब्रो पैलेट यूज़ करना ज़्यादा सही समझती हूँ। पहले मैं ब्लैक यूज़ करती थी, अब ब्राउन यूज़ करने लगी क्योंकि थोड़ा फेक हो जाता है ना ब्लैक, तो नेचुरल नहीं लगता है। तो प्रॉपर शेप देने के लिए उसको ब्राउन का ब्लैक का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आईब्रो को भी हमने फिल कर लिया अच्छे से क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी आईब्रो कम है ना, तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसका फिल करने के बाद हमने ब्रश यूज़ किया नेचुरल दिखाने के लिए। सबसे पहले तो हम ये यूज़ करेंगे इसको हमने ले लिया अच्छे से। अच्छा मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो ना, इस टाइप से सर्कुलर मोशन में स्टार्टिंग से हम दूसरी आईज पे भी इस टाइप से करेंगे। थोड़ा एक्चुअली क्या मेरा उल्टा हाथ ही चलता है, तो मैं सेकेंड ये मेहरून वाला यूज़ करने वाली हूँ। जितना अच्छे से आप करोगे ना उतना अच्छा आपका मेकअप लुक आएगा। हमने बेस तो रेडी कर लिया ना, उसके बाद हम लेंगे ये वाला थोड़ा सा, इसको भी इस टाइप से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे जिससे कि ये वाला बेस अच्छा। नेक्स्ट हम लेंगे आईलाइनर। आईलाइनर को अच्छे से हम अपनी आँखों पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम मस्कारा यूज़ करेंगे क्योंकि मस्कारा मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मस्कारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी लैशेस के लिए, तो अब मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन हाँ तो आप थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होगा थोड़ा सा क्वान्टिटी में लेंगे अच्छे से। इस टाइप से हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी आई बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिखे। अप्लाई करेंगे ब्लशर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी चीक को प्यारा से बनाने में। देखो मैंने पहले क्या यूज़ करती थी, पहले मैं एकदम पिंक चटकीला यूज़ करती थी। नहीं, आपको रेड भी यूज़ नहीं करना है, आपको करना है थोड़ा सा ऑरेंज ऊपर की साइड। दूसरी चीक पे भी हम इस टाइप से अप्लाई करेंगे ऊपर की साइड ब्लशर, जिससे कि हमारा चेहरा चमक उठे दम उठे। प्रॉब्लम जाती है ना तो आपके फेस पे, तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपके इसके लिए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन का यूज़ नहीं करती। तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं बट मुझे फाउंडेशन की नीड नहीं है। लास्ट और फाइनल है लिपस्टिक। तो हम लिपस्टिक लगाएंगे, मैं मेहरून शेड दे रही हूँ। वैसे तो हमें टू शेड यूज़ करती हूँ, एक तो मेहरून एक नॉर्मल, बट अभी मैं एक ही शेड का यूज़ कर रही हूँ। अपना फाइनल लुक। सो मिलते हैं फाइनल लुक के लिए।